दोस्तों, मैंने बहुत सारे चैनल के मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिससे कि हजारों चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम हर एक नए क्रिएटर के साथ आ रही है, तो ये वीडियो आप भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिनके चैनल की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, ये इस प्रॉब्लम को लेकर कई महीनों से परेशान है और फाइनली इन्होंने टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेजा और फाइनली मैंने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर इनको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स बताऊँगा, इसका सॉल्यूशन बताऊँगा और चैनल कैसे मोनेटाइज होगा वो भी कर आपको दिखाऊँगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और टेक्नो गुरुदेव चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपके YouTube चैनल और Google AdSense का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इनका YouTube चैनल, जो कि नेम है चैनल का प्राण करके। और दोस्तों, इनके चैनल पर मोनेटाइजेशन स्टेप टू में जो एरर आया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस रीजन से आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर YouTube चैनल। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एडसेंस का जो है यहाँ पर एरर आ गया है और स्टेप टू में जो है यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कौन सा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, योर एडसेंस एंड एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट आर क्लोज, मतलब कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। क्लोज होने का रीजन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इन्होंने अपने चैनल के साथ जो गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक किया था वो बिजनेस टाइप जो है लिंक कर दिया था। अब आपको पता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति जो है बिजनेस टाइप गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जिसकी वजह से इनको जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टेप टू में एरर आ गया है और यहाँ पर अभी भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ही प्रॉब्लम शो कर रहा है। और इन्होंने मुझसे कहा कि हमने एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक किया था, तो मैंने इनको समझाया, पूरी तरीके से मैंने इनके चैनल को चेक किया और मैंने यहाँ पर पता किया कि कौन सा गूगल एडसेंस अकाउंट अभी फ़िलहाल हाल में चैनल के साथ लिंक है। तो जो मुझे बताया गया कि जो चैनल का एडसेंस अकाउंट क्लोज किया गया है वही अभी चैनल के साथ लिंक है, इसलिए जो है यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों इन्होंने गूगल एडसेंस नया लिंक किया होता तो यहाँ पर जो है स्टेप टू इन प्रोग्रेस में होता या जो है एरर का जो कोई रीजन है वो दूसरा होता। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इन्होंने जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था वो गूगल एडसेंस अकाउंट ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट इनका अप्रूव हो चुका है, लेकिन ये गूगल एडसेंस अकाउंट किसी चैनल के साथ लिंक नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर हम इस गूगल एडसेंस अकाउंट को चैनल के साथ लिंक करें तो हमारा स्टेप टू जो है चुटकी में सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है गूगल एडसेंस अकाउंट। तो इसको करने के लिए ये किसी दूसरे जीमेल से जो है बना हुआ गूगल एडसेंस अकाउंट है, तो कैसे हम इसको अपने जो है चैनल के साथ लिंक करेंगे जिस पर मोनेटाइजेशन स्टेप टू में एरर आया है, तो वो आप देखते चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे इस चैनल के पेज पर, फिक्स इन एडसेंस पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी इन्होंने क्लोज कर रखा है तो उसे भी एक्टिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज एसोसिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों वेरीफाई इट्स यू प्रोसीड के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे फ़ोन पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप कोड को क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेप टू यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप का जो है ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों पहले से अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर नेक्स्ट पर या कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो जीमेल एड्रेस आपका शो कर रहा है ऊपर, ये आपके चैनल का जीमेल एड्रेस है। तो अगर आपके चैनल के जीमेल एड्रेस से एडसेंस बना हुआ है
और उसी को लिंक करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल के जीमेल को ही जो है सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इनके केस में किसी दूसरे जीमेल से ऑलरेडी इन्होंने गूगल एडसेंस अकाउंट नया बनाया था जो कि अप्रूव हो चुका है, उसको लिंक करना है। तो उसके लिए दोस्तों यूज अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों वो आपको जीमेल एड्रेस डालना है जिससे कि आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है जो कि अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। टू स्टेप कोड जाएगा, वो कोड आपको क्लिक करना है। आपके सामने अगर इस तरीके का पेज आ रहा है तभी आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा, वरना बैक हो जाइएगा और तुरंत टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा इस तरीके का अगर पेज नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आपका जो स्टेप टू का ऑप्शन है वो 32 डेज के लिए ब्लॉक हो सकता है अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। तो कई बार जब हम कई अलग अलग जीमेल से गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करते हैं तो जो हमारा चेंज का ऑप्शन रहता है वो 32 डेज के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू विथ दिस अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो पब्लिशर आईडी यहाँ पर शो कर रही है, एक बार आप जो गूगल एडसेंस अकाउंट आपका बना हुआ है अप्रूव है उसका जाकर पब्लिशर आईडी मैच करा लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर मैच करा लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट का पब्लिशर आईडी है और लास्ट में जो है 7242 है, तो हम इसको मैच करा लेते हैं अपने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 7242 और ये सेम है, ठीक है। और इंडिविजुअल अकाउंट है, पहला जो है इनका बिजनेस अकाउंट था जो कि चैनल के जीमेल से बना हुआ था जिसको इन्होंने क्लोज कर रखा है। और यहाँ पर जो नेम है वो नेम आप देख सकते हैं, जो एड्रेस है वो एड्रेस है यहाँ पर, और जो पेमेंट करेंसी है यूएस डॉलर है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है जो कि पब्लिशर प्रोडक्ट्स। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केवल एडसेंस तो ही शो नहीं कर रहा है, आपको एडसेंस के साथ साथ एडसेंस फॉर यूट्यूब, मतलब कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट आपके चैनल के साथ लिंक हो रहा है, अगर केवल एडसेंस शो करेगा तो भी आपको कंटिन्यू नहीं करना है, वरना वही जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल का URL ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेटअप अकाउंट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने रिडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब आपको ऑटोमेटिक ये जो है आपके स्टेप टू वाले पेज पर ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो सके और आप भी अपने चैनल से अच्छी खासी इनकम कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेप टू इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव था, ठीक है। जो नया वाला एडसेंस था वो अप्रूव था, वो कनेक्ट हो चुका है, लिंक हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि चुटकी में सॉल्व करेंगे स्टेप टू एरर, क्योंकि यार प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हर प्रॉब्लम के बारे में इतना ज़्यादा मतलब कि समझ हो चुकी है कि देखते ही पता चल जाता है कि क्या इशू है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके भी चैनल पर कोई भी मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहीं और मत जाइए, वरना प्रॉब्लम छोटी से और बड़ी हो जाएगी, शायद आपको चैनल भी डिलीट करना पड़ सकता है। तो बस और बस टेक्नो गुरुदेव को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात को आपको ध्यान रखना है कि मैं तो आपकी किसी भी तरह की स्टेप टू एरर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मिनिमम चार्जेस पे करने होंगे, क्योंकि यार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, अगर चार्जेस मैं नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों जिनको कराना होता है वो पे करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चार्जेस क्या होंगे वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर ही बता दूंगा। तो जाइए आप भी टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और हाँ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।